दिस सेक्शन इज़ ऑन लॉस एवर्जन तो लॉस एवर्जन एक और फैक्टर है जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीशन मेकिंग में या फाइनेंशियल डिसीशन मेकिंग में बायस लेकर आता है सो so बायस का मतलब होता है कि आप करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते आपके डिसीशन में कोई मसला एरर हो जाता है तो so उसको हम बायस कह रहे हैं तो लॉस एवर्जन का मतलब ये है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि जनरली जो लोग होते हैं वो अगर आपको एक हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है उससे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर एक हज़ार रुपये का गेन हो या फ़ायदा हो जाए तो वो नुकसान को ज़्यादा नुकसान से ज़्यादा असरअंदाज होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो उनको फ़ायदा पहुँचता है तो दिस पर्टिकुलर फिनोमिन एक्सप्लेन्स दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस ए वर्जन लॉस एवरजन में जब हम रियल या पोटेंशल लॉस को परसीव करते हैं साइकोलॉजिकली या इमोशनली मोर सवेयर एज कंपेयर टू इन इक्वलेंट गेन इसका मतलब ये है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को एक सौ रुपया मिल जाए उससे जो उसको खुशी होगी और एक सौ रुपया खो जाने का गम जो है वो गम खुशी से कहीं गुना ज़्यादा होता है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व जनरली के जो लोग होते हैं वो अपने लॉस को का इफेक्ट ज़्यादा लेते हैं एज कंपेयर टू जो उनको गेन मिलती है वाह वो बराबर अमाउंट की ही ना क्यों ना हो इस पर्टिकुलर चीज़ से जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है वो क्या आता है कि जो लोगों को लॉस की वजह से एक खौफ पैदा हो जाता है और उस खौफ की वजह से वो अपने जो डिसीशन्स हैं वो रैशनल लेने की बजाय इराशनल डिसशनस लेते हैं और जब वो इैशनल डिसशनस लेते हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो जो फैसला करेंगे वो करेक्ट ना हो वो इनकरेक्ट हो या बैड डिसीशन हो ना मुनासिब फ़ैसला हो और उस नामनासिब फ़ैसले की तरफ हम क्यों जा रहे हैं क्योंकि हम खौफजदा हो गए हैं कि जैसे हमारे साथ पहले कोई नुकसान हुआ है या हो सकता है नुकसान वो नुकसान ना हो उस नुकसान को अवॉइड करने के लिए आपने रैशनल डिसीजन नहीं किया आप इैशनल डिसीजन और बैड डिसीजन पे चले गए और उसमें आप अपने जो भी स्टॉक है उसको इ रैशनल डिसीशन मेकिंग के रिजल्ट के तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए अपने पास विद होल्ड कर लेते हैं या फट फटाफट समझ लें कि आपको लग रहा है कि मुझे इसमें नुकसान हो जाएगा आप उसको फ़ौरन जाके मार्केट में बेच देते हैं तो ऐसा करने से क्या हुआ आपने ये रैशनल डिसीशन मेकिंग की तो देर में भी इवेंचुअली यू सी कि आपने ये गलत फ़ैसला किया है तो ये आपके लॉस एवर्जन के फैक्टर की वजह से हो सकता है नाउ इस पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड कैसे किया जा सकता है व्हेन वी नो कि इस तरह से हम लॉस एवर्जन की जो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से हम कोई भी हमारे गलत फ़ैसले कर सकते हैं तो हमें अपने जो रैशनल डिसीशन मेकिंग को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए उसको ध्यान देना चाहिए और जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो डेटा पड़ी हुई है उसके हिसाब से हमें अपने फ़ैसले को आ, करना चाहिए ना कि हम इमोशनल होके किसी खौफ के अंडर आकर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन करें तो इस तरह से आप लॉस से की वजह से होने वाले बायस को ओवरकम कर सकते हैं